हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज होने वाला है डिमांड का एकदम लास्ट वाला लेक्चर। तो आज अंतिम वाला लेक्चर होने वाला है, इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे सप्लाई वाला। तो ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है आपके लिए और हर टॉपिक्स को हमने रिकॉर्ड कर दिया, इसके बाहर एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता। और हम आपको नोट्स भी भेज दिए हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों, आप लोगों को 6 स्टेप्स ज्वाइन करना है। जो लोग भी नया नया बच्चा लोग आया है, जो लोग भी नया जन यहाँ पे ये लेक्चर्स देख रहा है, उनको मैं बता दूं कि सेमेस्टर 1 को आप अच्छे से ज्वाइन करने के लिए 6 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, जो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप लोगों को नोट्स भी मिलेगा, आप लोग ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। तो ये सब चीज आप लोग कर लीजिए ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी हो और आप लोग एकदम फ्री में सेमेस्टर 1 को कंप्लीट कर पाओ। बड़े बड़े महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, आप लोगों से फीस चार्ज करते हैं, लेकिन मैं इतना अच्छा क्वालिटी में आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, कुछ भी मेरा डिमांड नहीं है सेमेस्टर 1 में। ओके, तो चलिए यहां पे आप लोग स्टार्ट करते हैं। एक ही टॉपिक हमारा बचा हुआ है और वही टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वापस से रिपीट कीजिए बाबू, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तुम लोग बाबू लोगों का बात तो बहुत बार रिपीट करता है, तो मेरा बात भी रिपीट करो। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को पता होगा एक्सेप्शन का मतलब, सबसे पहले समझाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब प्राइस यहां पे बढ़ता है, हाँ भैया, डिमांड घट जाता है, ये तो हमको पता है। जब प्राइस बढ़ता है तब डिमांड घटता है ना, और जब प्राइस घटता है तब डिमांड बढ़ता है, ये तो आप लोगों को पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन चलता है। प्राइस जब बढ़ता है तब डिमांड घटता है, प्राइस जब घटता है तो डिमांड बढ़ता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे सिचुएशन जहां पे प्राइस बढ़ता रहता है, जहां पे प्राइस बढ़ता रहता है और फिर भी डिमांड बढ़ता रहता है, या तो डिमांड कांस्टेंट रहता है, मतलब कि डिमांड जितना था उतना ही रहता है, डिमांड घटता नहीं है। ओके, कुछ एक्सेप्शन पढ़ाने वाले हैं हम आपको आज। एक्सेप्शन मतलब वही होता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन जहां पे प्राइस भी बढ़ रहा है भैया और यहां पे डिमांड बढ़ते जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये तो लॉ नहीं है डिमांड का, तो उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। जहां पे प्राइस बढ़ रहा है वहां पे डिमांड भी बढ़ रहा है, डिमांड को घटना चाहिए था ना, प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड को घटना चाहिए था ना, लेकिन नहीं घट रहा है भैया, ये तो प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है साथ साथ। तो वो सब सारी सिचुएशंस आज कवर करेंगे। आ जाइए फटाफट से ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन में सबसे पहला क्या आता है, कंस्पिशियस गुड्स। रिपीट कीजिए मेरे साथ बाबू, कंस्पिशियस गुड्स। अब कंस्पिशियस गुड्स मतलब मैं बोल सकता हूं प्रेस्टीज गुड्स। क्या बोल सकता हूं, प्रेस्टीज गुड्स। भैया थोड़ा अच्छे से समझाइए हमारे एग्जांपल में। अब देखो, आजकल का बाबू लोग जो है ना वो प्रेस्टीज दिखाने में ज्यादा लगता है। वो कमाता है 20,000 रुपया लेकिन उसको लेना है आईफोन, उसको लेना है आईफोन, मार्केट में स्टेटस दिखाना है, उसको लेना है बुलेट, उसको बाइक लेना है, उसको आईफोन लेना है, उसको हर वो चीज चाहिए जिसे वो अपना स्टेटस दिखा पाए। वो आधा कटा हुआ सेब दिखाते हैं ना वो लोग फोटो खींच के कि मेरे पास वो आईफोन है। आजकल तो हर छपरी बेरोजगार के पास मैं आईफोन देखता हूं, पता नहीं। तो उसी को बोलते हैं प्रेस्टीज गुड। क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज गुड। तो आप ये बताइए कि जब बात अपने स्टेटस की आती है, जब बात अपने मान सम्मान की आती है, तब यहाँ पे प्राइस बढ़ता रहता है ना, फिर भी लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि प्राइस को बढ़ने दो, बढ़ा हुआ प्राइस हम खरीदेंगे तो इंप्रेशन बढ़ेगा सोसाइटी के सामने, अपने बाबू के सामने, हर किसी के सामने यहाँ पे उनका इंप्रेशन बढ़ेगा। तो प्राइस अगर ज्यादा ज्यादा करके बढ़ता है ना तो उनका इंप्रेशन बढ़ता रहता है, इसीलिए वो लोग बढ़ा हुआ प्राइस में डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ता भी रहता है फिर भी ये बेवरे लोग डिमांड करते रहते हैं, बोलते हैं हमको तो आईफोन चाहिए ही चाहिए, वो भी
वो भी 50-60 हजार वाला आईफोन नहीं, आईफोन 11, आईफोन 12 नहीं, सीधा आईफोन 15 चाहिए भैया, लेटेस्ट वाला आईफोन चाहिए मुझको, लेटेस्ट वाला आईफोन चाहिए, जिससे सोसाइटी को पता चले कि मैं कितना रिच हूं, मैं कितना अमीर हूं, मुझे कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो आधा कटा हुआ सेब दिखाने के लिए, आप लोग समझ सकते हैं ना, हाफ कटा हुआ एप्पल रहता है ना वहां पे पीछे में, उसको यहाँ पे सेल्फी कैमरे से आप लोग दिखाने के लिए ये लोग ये सब काम करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंस्पिशियस गुड्स। कंस्पिशियस गुड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा गिफेन गुड्स। अब गिफेन गुड्स में ना एक आपको कहानी सुननी पड़ेगी, एक आपको कहानी सुननी पड़ेगी। एक था रॉबर्ट गिफेन, कौन था, रॉबर्ट गिफेन। वो एक दिन इंग्लैंड के एक शहर में जाके देखा कि उस मतलब ये शहर में क्या हो रहा था कि पोटैटोस का प्राइस जो था ना, पोटैटोस का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा था, इंक्रीज हुए जा रहा था, इंक्रीज हुए जा रहा था, फिर भी लोग कंज्यूम कर रहे थे पोटैटो, मतलब पोटैटो मतलब आलू, आलू का दाम यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा था, हुए जा रहा था, हुए जा रहा था, फिर भी लोग उधर कंज्यूम कर रहे थे पोटैटो। तो रॉबर्ट गिफेन एकदम चौंक गया। ओके, रॉबर्ट गिफेन बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो सुना था कि प्राइस जब बढ़ता है तब डिमांड घट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड किए जा रहे हैं लोग, किए जा रहे हैं, मतलब डिमांड बढ़ ही रहा है, डिमांड घट नहीं रहा है। तो रॉबर्ट गिफेन गए उस शहर में और उस आदमी से पूछे, एक आदमी से वहां पे पूछे कि भैया एक बात बताओ कि यहाँ पे पोटैटो का प्राइस इंक्रीज हो रहा है फिर भी आप लोग डिमांड क्यों कर रहे हो, आप लोग क्या बेवरे हो। वो आदमी बोला कि बैठ बैठ गिफेन, तुझको मैं समझाता हूँ, बैठ आजा बैठ। तो गिफेन को समझाया कि देख पोटैटो का प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके मुकाबले और जो कमोडिटीज है ना, जैसे कि वीट हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, सबका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सभी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पोटैटो का प्राइस ना थोड़े से कम रेट में इंक्रीज हो रहा है, थोड़े से कम रेट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग पोटैटो ही अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, इसी के लिए वो लोग पोटैटो कंज्यूम कर रहा था। आप लोग को समझा कि पोटैटो का प्राइस तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन और भी जो कमोडिटीज थे वो ज्यादा ज्यादा रेट में इंक्रीज हो रहे थे, है ना, जैसे कि पोटैटो का प्राइस अगर यहाँ पे 10 रुपीज है तो वो 15 रुपीज हो गया इंक्रीज होके, लेकिन अगर राइस का प्राइस मान लीजिए, मतलब चावल का प्राइस मान लीजिए 10 रुपए था तो वो सीधा 20 हो गया। बताइए आप क्या खाएंगे, पोटैटो खाएंगे या चावल खाएंगे, सर पोटैटो ही खाएंगे, बिकॉज पोटैटो का दाम थोड़ा सा कम रेट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब पोटैटो का दाम यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन थोड़े से कम रेट में बढ़ रहा है बाबू, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं गिफेन गुड। गिफेन गुड में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है फिर भी लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अदर अदर कमोडिटीज जो भी है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज है ना, उसका भी प्राइस बढ़ ही रहा है, लेकिन वो और भी तेजी रफ्तारी से बढ़ रहा है, इसीलिए लोग ज्यादा ज्यादा करके पोटैटो ही कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, पोटैटो का डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं गिफेन गुड। गिफेन गुड में भी यही होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तब डिमांड बाबू बढ़ जाता है। तो ये है एक एक्सेप्शन, ये क्या है, एक एक्सेप्शन, सिंपल सा बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये स्टोरी। यहाँ पे देखिए एकदम सेम सेम चीज लिखा हुआ है, सर रॉबर्ट गिफेन स्कॉटिश इकोनॉमिक वाज ये सरप्राइज्ड टू फाइंड आउट दैट एज द प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज। यहाँ पे ब्रेड का एग्जाम्पल दिया हुआ है बाबू, लेकिन मैंने आपको पोटैटो का एग्जाम्पल दिया, बिकॉज अलग अलग बुक में ना अलग अलग चीज लिखा हुआ है, कोई कोई बुक में पोटैटो का बोला है, कोई कोई बुक में ब्रेड का बोला है, अभी भी तय नहीं हुआ है इन लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन कोई कोई बुक में पोटैटो का भी एग्जाम्पल आप लोगों को मिल सकता है। तो ए ब्रिटिश वर्कर परचेस्ड मोर ब्रेड, मतलब ज्यादा ज्यादा करके वो लोग ब्रेड ही खा रहा था, ज्यादा ज्यादा करके वो लोग क्या कर रहा था, ब्रेड ही खा रहा था। फिर जाके गिफिन ने पूछा कि तुम लोग इतना ब्रेड क्यों कंज्यूम कर रहे हो, जबकि तुम देख रहे हो कि ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तब तुम ज्यादा ज्यादा करके ब्रेड क्यों कंज्यूम कर रहे हो। उसने यही बोला कि भैया देखिए हम सिर्फ ब्रेड ही अफोर्ड कर सकते हैं, अदर अदर कमोडिटीज के प्राइस और भी ज्यादा ज्यादा दाम में बढ़ रहे हैं, मतलब सारे कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेड का ही प्राइस है एक जो कि थोड़े से धीमी रफ्तार में बढ़ रहा है, इसीलिए वो लोग ब्रेड खा रहे थे।
है ना, समझ में आया, समझ में आया। स्वप्न सुंदरी के एग्जाम्पल में अभी नहीं हो ना, मतलब कुछ दूसरा चीज नहीं सोचना है। ये हमेशा पढ़ाई करने के वक्त में सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई अगर करोगे तो बाबू लोग पीछे पीछे आएंगे, है ना, भीड़ लगाएगी, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम बाबू लोग के पीछे पीछे जाओगे, ये बात याद रखना। चलो, कंस्पिशियस नेसेसिटीज, कंस्पिशियस नेसेसिटीज क्या है, समझाता हूं। अब थर्ड वाला जो एक्सेप्शन है आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि हमारा बेसिक नेसेसिटी क्या है, हमारा बेसिक नेसेसिटी भैया फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है, मतलब कि भैया रोटी कपड़ा मकान है। ओके, तो तुमको अगर हम रोटी कपड़ा मकान आजकल के दिन दे दें तो तुम क्या रह लोगे? सीरियसली बताना, सच सच बताना, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, कमेंट सेक्शन में हमको जानना है। प्लीज कमेंट करो, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा कमेंट का। प्लीज कमेंट करो कि तुमको अगर रोटी कपड़ा मकान अगर हम दे दे सिर्फ, और बोले कि सरवाइव करने के लिए दो दिन, तो तुम, मेरा गारंटी है तुम एक मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाए। सर हमारे पास एक फोन नहीं रहता है, हम लोग तो वो तरस जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि क्या पागल वागल हो चुके हैं आज, हम लोगों को लगता है पागल वागल हो जाएंगे एक मिनट अगर फोन नहीं हाथ में रहता है तो, है ना। फोन क्या बन चुका है तुम्हारा, कंस्पिशियस नेसेसिटीज। इसका मतलब ये है कि सिर्फ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तुम्हारा नेसेसिटी नहीं है। आजकल सबके घर में फ्रिज होते हैं, वॉशिंग मशीन होते हैं, एसी होते हैं, तो ये सारे नेसेसिटीज बन चुके हैं। एक फैन भी तो तुमको लगाना ही पड़ेगा, फैन के बिना तुम रह सकते हो, लाइट्स के बिना तुम रह सकते हो, बताओ। हमको पता है कि बेसिक नेसेसिटीज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है, लेकिन आजकल जो तुम्हारा नेसेसिटी बन चुका है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर से नहीं चलने वाला, सिर्फ और भी नेसेसिटी बन चुका है तुम्हारा। अब हमारा नेसेसिटी फ्रिज भी है, अब हमारा मतलब ये टीवी भी है, सबके घर में आजकल टीवी है, सब, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वो जो एक हमारे पास वो जो डब्बा रहता है ना, जिससे हम लोग बाबू लोग से बात करते हैं, आप लोग बाबू लोग से बात करते हैं, वो डब्बा अगर नहीं रहा तो किससे बात करोगे? पबजी कैसे खेलोगे भैया, बताओ। वो डब्बा को तो रहना पड़ेगा, एक मिनट अगर नहीं रहता है ना वो डब्बा तुम्हारे हाथ में, तो तुम बेचैन हो जाते हो, मतलब एडिक्शन लग चुका है। जैसे कि ड्रग अडिक्ट को एडिक्शन लग जाता है, वैसे ही तुमको एडिक्शन लग चुका है वो डब्बा का, वो फोन का, वो मोबाइल का, है ना। तो सोशल मीडिया थोड़ा सा कम चलाइए, पढ़ाई लिखाई ज्यादा यूज कीजिए, मोबाइल बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन उससे सोशल मीडिया थोड़ा सा कम चलाइए। और तुम अपने बाबू लोगों को तो बहुत ज्यादा कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, हमको तो यहाँ पे मैसेज एकदम भी नहीं करते, कभी हमसे भी बात कर लिया करो, चलो आ जाओ। इसके बाद देखो भैया, बहुत पकाते हैं आप, पकाने के लिए ही आए हैं तुमको पकाएंगे, तुमको जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक पकाएंगे तुमको। इसके बाद देखिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, कभी अपने मम्मी लोगों को देखे हो? हाँ भैया, मम्मी लोगों को तो सब कोई देखता है, चलो ठीक है। तो मम्मी लोग क्या करती है कि फ्यूचर में अगर किसी चीज का भी दाम बढ़ने वाला रहता है ना, जैसे कि गोल्ड का, फ्यूचर में अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला रहता है ना, तो मम्मी लोग बोलती है कि नहीं नहीं अभी खरीद के रख लेते हैं, अभी सस्ते में खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो मम्मी लोग जाती है एकदम, मम्मी लोग को देखिए उस सेल में जाती है, है ना। तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे सेल में जाके बहुत ज्यादा सामान का यहाँ पे खरीदी कर लेती है, ठीक है, ओके, क्योंकि उनको लगता है कि अभी प्राइस सस्ता है, फ्यूचर में प्राइस महंगा हो जाएगा, फ्यूचर में उसी चीज का दाम महंगा हो जाएगा, इसीलिए सेल में या तो गोल्ड का प्राइस, अगर उनको पता है कि फ्यूचर में किसी भी चीज का प्राइस यहाँ पे महंगा होने वाला है, किसी भी चीज का दाम यहाँ पे फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो वो अभी से खरीदने चली जाती है। आप लोगों को भी अगर अभी ऑफर मिल जाए ना, तो आप लोग भागे भागे जाओगे। मेनली ये लोग लड़कियां लोग ज्यादा करती है, लड़कियां लोगों को यहाँ पे सेल या तो कुछ ऑफर मिल गया तो ये लोग भागे भागे जाके इतना सारा खरीद लेगी कि बाप रे बाप लगेगा कि क्या लेके आ गए घर में, है ना। तो ऐसा होता है कि नहीं, फ्यूचर में हमें पता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, अभी से खरीद के रख लो। फ्यूचर में पता है कि लैंड का प्राइस बढ़ने वाला है, अभी से खरीद के रख लो।
तो इस तरह से यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस में क्या देखा जाता है कि जब प्राइस बढ़ता है ना तो मतलब कि मम्मी लोगों को एक अलग लेवल का खुशी मिलता है और वो लोग डिमांड ज्यादा करती है। उनको पता है कि फ्यूचर में प्राइस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, इसीलिए वो लोग डिमांड करती है अभी। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब ये प्राइसेस ऑलरेडी हम समझा चुके, बहुत अच्छे से समझा चुके, आप लोगों को बस पढ़ना है। हम एक बार रीड भी कर देते हैं, ठीक है, एक बार रीड भी कर देते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द प्राइस आर राइजिंग, अगर एक प्राइस यहाँ पे राइज होता है, हाउस होल्ड मतलब क्या, मम्मी नॉर्मली मम्मी क्या एक्सपेक्ट करती है कि प्राइस फ्यूचर में और ज्यादा राइज होगा। हाउस होल्ड एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस इन द फ्यूचर विल बी स्टिल हायर, इट टेंड्स टू बाई लार्जर क्वालिटीज ऑफ सच कमोडिटीज। तो वो सारे कमोडिटीज का एकदम लार्जर क्वांटिटीज खरीदती है, जैसे कि टमाटो का प्राइस ये मतलब ये बढ़ गया था, तो जिनको भी पता था ना कि टमाटो का प्राइस बढ़ने वाला है वो लोग बल्क में खरीद लिए थे। ठीक है, हमको पता है कि ये मतलब ये तो खराब होने वाला गुड्स है, लेकिन फिर भी थोड़े से बल्क में तो खरीद ही लिए थे कि कम से कम नहीं तो 5-6 दिन तो चल ही जाए, 5-6-7 दिन तो चल ही जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे थे। ओके, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। समझ रहे हो कि सो रहे हो तो सो जाओ, समझना नहीं पड़ेगा, आराम से तुमको बस पढ़ना है। हम तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे घर में तुमको देख रहे हैं, तुम अभी आराम से लेटे लेटे ये लेक्चर देख रहे हो, मत देखो। अगर सीयू से सप्ली नहीं खाना चाहते हो तो मत देखो, मुझे ये सब वार्निंग देना पड़ता है, बिकॉज सब कोई झेलते हैं। ऑफकोर्स सीयू टफ है, सीयू को एकदम कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा, वरना सीयू वो गलती कर देगा आपको। ठीक है, वरना सीयू आपको कमजोर समझ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद द लॉ हैज बीन डिराइव्ड अज्यूमिंग कंज्यूमर टू बी रैशनल एंड नॉलेजेबल अबाउट मार्केटिंग कंडीशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक एक्सेप्शन ऐसा भी है। देखिए, मम्मी ने आप लोगों को सब्जी लेने भेजा, कभी आप लोगों को भेजा है सब्जी लेने? हाँ भैया, बहुत बार भेजा है, सब्जी लेने भेजा। अच्छा, एक सब्जी वाला से आपने पूछा कि भैया ये टमाटो कितना का, तो वो टमाटर वाला बोला कि भैया ये 150 का पड़ जाएगा आप लोग। सब्जी वाले ने आप लोगों को बोला कि ये टमाटर 150 का पड़ जाएगा, तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं भैया 145 में दे दो ना प्लीज। लड़की लोग ज्यादा बोलती है 145 में दे दो ना प्लीज ये टमाटर। तो उसने बोला ठीक है ले लो कोई बात नहीं 145 में ले लो। आप यहाँ पे घर आई, मम्मी ने बोला ठीक है, मम्मी ने बोला अरे बेवकूफ टमाटर तो अभी 30 रुपए करके है, तो 145 में लेके आई, फिर आप लोग सिर पीटने लगते हो, बेवकूफ बन गए ना वहां पे। तो मार्केट में नॉलेजेबल रहना पड़ता है, रैशनल रहना पड़ता है, माथा में बुद्धि रहना पड़ता है कि नहीं? लड़कों लोगों को भी बोल रहे हैं, मार्केटिंग हम लोगों को नहीं करना आता, लड़का लोगों को मार्केटिंग नहीं करना आता। ठीक है, मम्मी लोग ही ज्यादा अच्छे से कर पाती है। ठीक है, तो आप लोग देखिए 145 में जो टमाटर आप लेके आए थे उसका एक्चुअल दाम, मम्मी ने बोला कि अरे बेवकूफ इसका प्राइस तो 30 रुपीज है, क्या करके आ गई तुम? तो मार्केट में नॉलेजेबल रहना पड़ता है, जो लोग नॉलेजेबल नहीं है, जो लोग इरेशनल है, वो लोग क्या करेगा, बढ़ता हुआ प्राइस में भी डिमांड ज्यादा कर देगा। सिंपल सा बात है, बढ़ता हुआ प्राइस में भी डिमांड ज्यादा कर देगा। इसके बाद आप लोग देखिए डिमांड फॉर नेसेसिटीज। अब देखिए, जो भी यहाँ पे दवाई है, जो भी यहाँ पे एकदम जरूरी है, उस सारी चीज को तो यहाँ पे आप लोग को डिमांड करना ही पड़ेगा। जैसे कि फूड, खाने का डिमांड आप लोगों को करना पड़ेगा ना। कल को अगर खाने का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, कल को अगर चावल का दाम 100 रुपया हो गया, क्या आप लोग नहीं कंज्यूम करोगे? भैया कंज्यूम करेंगे, लेकिन कम कंज्यूम करेंगे। हाँ, तो उसी को बोलते हैं ना डिमांड करना। तो डिमांड तो आप लोग करोगे ही, बढ़ता हुआ प्राइस में भी आप लोग यहाँ पे डिमांड उतना ही करोगे जितना आप लोग कर रहे थे। मेडिसिन का दाम अगर बढ़ जाएगा तो क्या आप मेडिसिन नहीं खरीदोगे, मेडिसिन नहीं कंज्यूम करोगे? करेंगे भैया, मेडिसिन खाना तो जरूरी है, अगर मेडिसिन नहीं खाएं तो हमें कुछ भी हो सकता है, हमारे लाइफ को यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए प्राइस अगर मेडिसिन का बढ़ता भी रहे ना तो डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा, प्राइस अगर फूड का बढ़ता भी रहे तो डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि ये सब हमारे लाइफ का नेसेसरीज है। फॉर एग्जाम्पल फूड, पावर, वाटर, गैस,
समझ में आ रहा है बाबूराव? कमेंट सेक्शन में बोलिए मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं, जिससे मुझको पता चले, है ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने का, लेकिन प्लीज आप लोग भी समझने का ट्राई कीजिए, ओके। स्पेकुलेटिव गुड्स, जैसे कि शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में ना जब प्राइस ऐसे बढ़ता रहता है ना, शेयर मार्केट में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। शेयर मार्केट में जब प्राइस बढ़ता रहता है तब लोग ज्यादा खरीदते हैं, तब डिमांड लोग ज्यादा करते हैं, बिकॉज उनको पता रहता है कि प्राइस बढ़ा है इसका मतलब फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ेगा, और उस कंपनी का शेयर लोग ज्यादा ज्यादा करके खरीद लेते हैं ताकि उनको फ्यूचर में बेनिफिट हो। अगर मान लो आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा और फ्यूचर में उसको बढ़ते 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 वो 300 रुपए हो गए, तो आपका भी बेनिफिट होगा ना। तो अपने बेनिफिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट का प्राइस अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए शेयर मार्केट का एक कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड ज्यादा कर रहा हूँ, सिंपल सा बात है। तो ये है स्पेक्युलेटिव गुड्स। तो इन द स्पेक्युलेटिव मार्केट, पर्टिकुलरली इन द मार्केट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, मोर विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइस आर राइजिंग एंड लेस विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइस डिक्लाइन। तो अगर प्राइस यहाँ पे डिक्लाइन होता है तो डिमांड भी यहाँ पे लेस किया जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि प्राइस गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है ना। तो दोस्तों ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, फाइनली हमने खत्म कर लिया ये चैप्टर, ये जंग हमने बहुत अच्छे से जीत लिया, खल्लास डिमांड खल्लास, बस इतना ही था। आप लोगों को ये सारे नोट्स अच्छे से लिखने हैं, अच्छे से बनाने हैं, और जो सारे भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं बाबू उसको प्लीज देख लेना, हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है सच में, तुम्हारा ही बेनिफिट है, तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, जाके लिख लेना उसको, ओके। चलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, ओके, मिलते हैं। और अगर सेमेस्टर वन का बैचेस अभी भी ज्वाइन नहीं किए हो, अच्छे तरीके से ज्वाइन नहीं किए हो, तो प्लीज जाओ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने नोट्स दे दिए हैं डिमांड के, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट।